हेलो स्टारियन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के इस सीरीज में हम जीओसी से रिलेटेड तमाम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इनको सॉल्व करने से तमाम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हमारी क्लियर हो जाएगी। आइए इस सीक्वेंस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इज। जहां कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आए, SN1 की रिएक्टिविटी की बात कह रहा हो और CX बॉन्ड सेम हो, मतलब कार्बन और हैलोजन में हैलोजन सेम हो, तो आप कार्बोकैटायन बनाते हैं SN1 के केस में और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। अब यहां देखें, ए वाला नॉर्मल 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, बी के केस में ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है जो रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। BR आप रिप्लेस करेंगे, बीच वाले कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पे प्लस और साइड में मिथाइल ग्रुप। और सी वाले को देखेंगे, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? एग्जैक्टली बी, क्यों? ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज भी है और मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट। उसके बाद सी वाला, क्योंकि ये 2 डिग्री का है। और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ए। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? BCA। क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप में ये पूरा का पूरा SN1 मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ सारा पॉइंट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। तमाम सारे स्टेटमेंट दिए हैं, ABCDEFGH, इसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। एक एक को ध्यान से पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं और स्टेटमेंट जारी करते हैं। टर्शियरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी, बिल्कुल सही बात कह रहा है। SN1 में अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हम डिसाइड करते हैं और हमको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है, तो 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का कार्बोकैटायन देगा जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए जो है ये ट्रू हो गया। बी को देखिए, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन एन ऑप्टिकल एक्टिव सबस्ट्रेट इज यूज्ड। अब याद करिए, SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता था, आने वाला न्यूक्लियोफाइल राइट और लेफ्ट एक एक्सिस पे दोनों डायरेक्शन से अप्रोच करता था जिससे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हुआ करते थे। यहां ये केवल अपोजिट मींस केवल इन्वर्जन की बात कह रहा है, तो SN1 में केवल इन्वर्जन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से बी फॉल्स। तीसरे स्टेटमेंट को देखें, सी द रिएक्शन शोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एग्जैक्टली सही है, ये हम लोगों ने देखा है SN1 की मैकेनिज्म में 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग और उस फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें केवल सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करता है और एक्सपेरिमेंटली ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डी स्टेटमेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स मार्कली ऑन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमको पता है SN1 में न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई रोल अदा नहीं करता, ये सेकेंड स्टेप में आता है जो कि फास्ट स्टेप होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। द मैकेनिज्म इज 2 स्टेप मैकेनिज्म, क्लियर है SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। एफ कार्बोकैटायन आर इंटरमीडिएट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। जी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ एल्किल हैलाइड, ट्रू स्टेटमेंट है। एच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लिविंग ग्रुप वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी तेजी से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए, इसमें एक आपको CBR वाला ग्रुप दिया हुआ है, मतलब कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये RX टाइप का कंपाउंड है जिसको NaOH DMSO के साथ ट्रीट कराया जा रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो जरा सोचिए, कहीं पर CX बॉन्ड हो,
सीबीआर बॉन्ड हो और एनएओएच के साथ आप ट्रीट कराएं तो क्या होगा, तो बीआर रिप्लेस हो जाएगा, ओएच लगेगा। मतलब ये किस तरह का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर सोचिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर डीएमएसओ ले रहे हैं, डीएमएसओ क्या है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड CH3SO CH3, किस तरह का सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किस तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सुटेबल है, SN2। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। तो अब देखें आप, बीआर जिस डायरेक्शन में है उसके जस्ट अपोजिट में ओएच लग जाएगा। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ओएच सेकंड में केवल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 16 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन देखिए, इसमें बेंजीन रिंग से एक CH2Br और दूसरा डायरेक्ट Br जुड़ा हुआ है और इसको KSH से रिएक्ट करा रहा है, A बन रहा है, कंपाउंड A के बारे में बताना है। अब देखिए, रिंग से दो हैलोजन जुड़े हैं, एक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है जो ब्रोमोबेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, और दूसरे में बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे Br जुड़ा है। KSH के साथ रखेंगे तो नीचे वाला जो CH2Br है वो Br रिप्लेस हो जाएगा, वहां SH लग जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा, आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो केवल CH2Br पे सब्स्टिट्यूशन होगा और ये CH2SH में बदल जाएगा। तो अब आप चारों ऑप्शन में ढूंढिए किसमें Br इंटैक्ट है और CH2Br में Br रिप्लेस हो रहा है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। अब इसमें 4 सबस्ट्रेट दिए हैं, AlCl3 के साथ ट्रीट करा रहा है, चारों को ध्यान से देखिए तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। पहले में केवल एक ही क्लोरीन कार्बन बॉन्ड है और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। सेकंड में देखिए, दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, पहला वाला जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन पैरा जो 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे जो क्लोरीन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहां पे जो डबल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट जो क्लोरीन है उसी को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड में देखिए, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्लोरीन और बगल में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी जो है जो रिप्लेसमेंट है वो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम के साथ क्लोरीन नहीं रिप्लेस हो रहा है, जबकि उसके बगल वाले क्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां ये रिप्लेसमेंट इजिली पॉसिबल है क्योंकि कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन है, यहां जब आप ब्रेक करेंगे तो अगेन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबिलाईज है, तो यहां आसानी से थर्ड जो है हो सकता है रिप्लेस और यही आंसर हो जाएगा।